हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो पहले का समय था जब हम लोग 18 से 20 साल के लोगों को निब्बा निब्बी कहते थे, और फिर कुछ समय बदला और हम लोग 17 से 16 साल के बच्चों को निब्बा निब्बी कहने लगे। फिर हम लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि पहले करियर बना लो फिर ही आशिकी करना। लेकिन जो निब्बा निब्बी का सिलसिला है ना, वो यहाँ तक भी नहीं रुका। अब हम लोग 10 से 15 साल के बच्चों को निब्बा निब्बी कहने लगे, और हम लोग इस टाइम 10 से 15 साल के बच्चों की गर्लफ्रेंड देख रहे हैं, शायद उससे भी कम के बच्चों की गर्लफ्रेंड देख रहे हैं। और वो बच्चे हम लोगों के सामने ही ले जाते हैं गर्लफ्रेंड को और कहते हैं तुम लोग सिंगल ही मरोगे, इतनी ज्यादा बेइज्जती करते, इसीलिए आज मैंने ठान लिया कि उनकी बेइज्जती करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्या हुआ? मेरा जो दोस्त है ना, उसके दोनों हार्ट फेल हो गए और उनके पास पैसे नहीं है इलाज के। ये रख ले। थैंक यू, ऊपर वाला तो ये दिमाग देगा। ले भाई, हो गया पैसे का काम, आओ चलो चले मूवी देखने। भाई एक बात बता मुझे, इस छोटी सी बच्ची के पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? और इसने उन पैसों को उस लड़के को दे भी दिया। एक यहाँ पर मैं हूँ जिसे आज तक 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिले कभी। भाई ये लोग जिस बेड पर बैठे हैं उस बेड को ऐसे सजा रखा है जैसे किसी की स्वागरात हो। और भाई इसे देखने के बाद मुझे अपने आप से तो भरोसा ही उठ गया कि मैं कुछ कर पाऊंगा या अभी नहीं भी। भाई ये तुम खुद ही देखो, ये जो बच्ची है ना वो कितनी ज्यादा बड़ी है, और ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये बच्ची गद्दे में फिट हो जाएगी, इसीलिए इंस्टाग्राम को पता ही नहीं चला कि ये बच्ची ट्रेंडिंग में कब पहुंच गई। और यहाँ मैं हूँ जो 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ और कभी 10K क्रॉस नहीं कर पाया हूँ, और ये लोग तो 1 मिलियन लेके बैठे हैं। सैफीना, हाँ? तुमसे दो बातें पूछूं? पूछो। तुम इतनी प्यारी कैसे हो? भाई देख रहे हो क्या ही कर रहे हैं, मुझे तो पक्का लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर पक्का क्राइम पेट्रोल देखकर स्क्रिप्ट लिखता होगा। और ये इन लोगों की इतनी जवानी कुतुब मीनार की चोटी पर है ना, वो थोड़ा कम करो और इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। जितना तुम्हारा एटीट्यूड है ना उतना मेरा अच्छा। अरे कहना क्या चाहते हो, और ये जो गाना है ना तेरा होने लगा, पहले उस लड़के से पूछ ले उसका क्या विचार है, वो तो हम लोगों को ही घूरे जा रहा है, तेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली? मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। अरे तुम कब से इंतजार कर रही हो, इतनी सी तो हो तुम। और अगर तुम 20-30 साल तक इंतजार कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा, तुम तो अभी इतनी छोटी हो, जो 20-30 साल तक इंतजार भी करोगी तो अभी बुढ़िया नहीं हो जाओगी। और भाई जब हम लोग इसकी उम्र के थे ना तो मम्मी के पर्स से पैसे चुराते थे, और ये इस उम्र में मम्मी के पर्स से सिंदूर चुरा रही है और उसको लगा रही है। हिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे। अरे बेटी किसको इम्प्रेस करना है, जो प्रॉपर सिंदूर बिंदु सब प्रॉपर कर रही हो। और भाई यहाँ हम लोग हैं जो कहीं जाते भी हैं फिर भी मुंह धुल लेंगे और कहेंगे चलो मैं तैयार हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी केवल मुंह धुल के ही बना रहा हूँ, मैंने मुंह धुला और कहा मैं तैयार हूँ चलो वीडियो बनाते हैं। भाई देख रहे हो स्टार्टिंग में इसकी मम्मी कहाँ था, मुझे शुरुआत से लग रहा था कि इसकी मम्मी ही इसका वीडियो बनाती होंगी। और भाई तुम्हें पता है रीबा अरोरा की वजह से पता नहीं जन कितने बच्चे हैं वो अभी से जवान होने के सपने देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग हैं जो सोच रहे हैं कि कम उम्र लगे बूढ़े ना लगे, ज्यादा जवान दिखे हम लोग अभी भी। दोस्तों आप पूछते रहते थे ना कि तेरा पति कौन है, तुम्हारा पति कौन है? अरे बेटा हम लोग गलत फहमी में नहीं है कि तुम्हारा भी पति होगा, और बेटा ऐसी ही हरकतें रही तो आगे भी तुम्हारा पति नहीं होगा। आज मैं आपको अपने पति दिखाती हूँ, ये है मेरा पति गूगल पे।
अरे वाह, गूगल एडसेंस से पैसा आता है, इसका चैनल मोनेटाइज है। अरे भाई, हम लोग ही गलत टाइम पर शुरू किए, अगर हम लोग भी बचपन में ही शुरू कर देते तो आज हम लोग भी करोड़पति होते। और भाई मैं सच बताऊँ ना, मुझे इसका चैनल मोनेटाइज देख के मेरी बहुत ज्यादा जली है। अरे भाई ये सब है ना बहुत लेट शुरू हुआ है, अगर राजा महाराजाओं के जमाने में शुरू हो जाता तो राजा महाराजाओं को सोना नहीं लौटाना पड़ता, वो फ्री में देखते डांस। और भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों में आता कहाँ से है, ये लोग मेट्रो में डांस कर लेते हैं, मैं यहाँ सबके सामने डांस कर पाऊँ, घर वालों के ही सामने। ओके गाइस, दैट इज माय टुडे। तो आज का वीडियो केवल फन के मूड में था, तो फन के ही मूड में ले, अगर कहीं और ले रहे तो लेते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट भी कर दे। तो मैं भी जा रहा हूँ, बाय।